मर्सिडीज बेंज ने रिटेल ऑफ द फ्यूचर नामक बिक्री का नया मॉडल भारत में पेश किया है। इस नए मॉडल के अंतर्गत कंपनी सीधे ग्राहकों से संपर्क करके उन्हें कार बेचने की नीति बना रही है। इस प्रक्रिया में डीलर्स को हटाने का काम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लागू होने पर निर्माता से बड़ी मात्रा में कारें खरीदने का जोखिम डीलर्स को नहीं उठाना होगा। व्यापार के इस नए मॉडल में मर्सिडीज बेंज इंडिया कारों का पूरा स्टॉक अपने पास रखेगी और इन्हें चुने गए डीलर पार्टनर्स के माध्यम से बेचा जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि देश भर में कंपनी की एक ही पारदर्शी कीमत ग्राहकों के सामने रखी जाएगी। केवल नई कारों के लिए रिटेल बिक्री लागू होगी, वहीं बाकी व्यापार जैसे कस्टमर सर्विस, सेकेंड हैंड कारें और साझेदारी के व्यापार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने नई जनरेशन ऑक्टाविया को भारत में लॉन्च करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये 10 जून 2021 को देश में लॉन्च की जाएगी। कंपनी मई 2021 में ये कार लॉन्च करने वाली थी, लेकिन महामारी और लॉकडाउन के चलते इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था। कंपनी ने महाराष्ट्र में अपने औरंगाबाद प्लांट में कार का उत्पादन शुरू कर दिया है और फैक्ट्री से बनकर निकला पहला टॉप स्पेक मॉडल LNK वेरिएंट है, जो सिग्नेचर लावा ब्लू रंग में आया है। चौथी जनरेशन स्कोडा ऑक्टाविया बदले हुए MQB प्लेटफॉर्म पर आधारित है और पिछले मॉडल के मुकाबले आकार में बड़ी है। कंपनी ने कार में 2 लीटर का TSI इंजन दिया है, जो 188 BHP और 320 Nm बनाता है। भारतीय बाजार में कार का मुकाबला Hyundai Elantra से होगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और उसे रिन्यू करने में लगने वाले शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव में कहा गया है कि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले किसी भी ग्राहक को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। इसके अलावा इसे रिन्यू कराने में भी पैसा नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाहनों पर लगने वाला औसत रजिस्ट्रेशन शुल्क फिलहाल 300 रुपये से 1500 रुपये के बीच होता है। इस बात पर सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर इस कदम को कब तक लागू किया जाएगा। हाय, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।